एटीएस बाहरी जिले की टीम ने गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो पहले बेचे गए वाहनों के बीमा दावों के लिए फर्जी एफआईआर दर्ज करता था। मुख्य आरोपी मनोज शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है। टीम ने उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से दो ट्रैक्टर और कारगिल, लद्दाख से एक जेसीबी मशीन बरामद की है। डीसीपी के निर्देश अनुसार इंस्पेक्टर संजीव परवीन कुमार के नेतृत्व में एटीएस टीम ने एफआईआर की जांच शुरू की। जांच में पता चला कि मनोज शर्मा पहले भी चार अन्य वाहनों की चोरी के फर्जी मामले दर्ज कर चुका था। 31 अगस्त 2024 को मनोज शर्मा से पूछताछ में उसने कबूल किया कि उसने तीन जेसीबी और दो ट्रैक्टर बेचे थे। उसकी निशानदेही पर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से दो ट्रैक्टर और लद्दाख से एक जेसीबी बरामद की गई। मनोज शर्मा को गिरफ्तार कर 8 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।